ब्लैकेट कंपनी के राइडर्स द्वारा आज सड़क पर बाइक रैली निकालकर कंपनी द्वारा उन्हें दिया जाने वाला रेगुलर किलोमीटर के पैसे में कटौती करने को लेकर सभी राइडर्स द्वारा जहां कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की गई तो वहीं कंपनी के नाम लिखी हुई टी शर्ट का पुतला दहन किया गया। राइडर्स ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कंपनी द्वारा निरंतर राइडर्स के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लगातार राइडर्स के प्रति किलोमीटर मिलने वाला पैसा लगातार कम किया जा रहा है जिससे उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत आ रही है। और उन्होंने कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनी द्वारा राइडर्स का प्रति किलोमीटर दिया जाने वाला पैसा कम करने वाली शर्त को वापस नहीं किया गया तो वह गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सभी राइडर्स इकट्ठा होकर कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर लगातार अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। इसका कारण ये है कि हम 2.5 से 3 साल से काम कर रहे हैं ब्लैंकेट में, जब ग्रोफर थी इससे पहले, ग्लोफर से चेंज ब्लैंकेट हो गई। ब्लैंकेट में 1.5 साल काम करने के बाद फिर टाई अप हैगी जोमेटो से। हमारा उस टाइम रेट कार्ड था 50 रुपये का, उसके बाद कंपनी ने एक रेट कार्ड बना दिया 25 रुपये का। तो उनको एक हौसला ये दिया गया कि जो 25 वाले रेट कार्ड है उनको जोरे के ऑर्डर मिलेंगे, जैसे 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर, तो इसलिए 25 रुपये। जो 50 वाली आइडिया उनको 2.5 से 3 किलोमीटर की रेंज में ऑर्डर मिलेंगे, कोई इशू नहीं हुआ, कंपनी आराम से चल रही। जैसे ही कंपनी बड़े उत्तर में जा रही है डेली के डेली, राइडर का नहीं सोच रही कंपनी, एकदम परसों मैसेज आया हमारे पास कि आपका रेट कार्ड 12 रुपये किलोमीटर होने वाला है। अब 12 रुपये किलोमीटर कंपनी हमें देगी और 3 से 4 किलोमीटर रेंज का ऑर्डर मारेंगे, 10 रुपये की पेट्रोल लगती है हमारी, बचा 2 रुपये। अगर 100 मीटर का ऑर्डर हमारा गिर गया तो उसमें 1 रुपये 30 पैसे कैलकुलेशन लगा के कंपनी देगी, तो हम क्या हम खाएंगे, क्या कमाएंगे, मोटरसाइकिल की पेट्रोल डलवाएंगे, किस्त देंगे, क्या करेंगे। हमारा मकसद ये है कि कंपनी को उठाया किसने, राइटर ने, कंपनी का GM SM, उसने तो ऑर्डर मारा नहीं। कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचे, उनने बाउंसर बुलाए, पुलिस को बुलाया, भाई पैसा चलता है, हमारे पास पैसा है नहीं, कपड़े फटे हुए, सुबह से खाना नहीं, पानी नहीं, अब क्या करेगा, प्रदर्शन चाहिए मुझे। कोई भी स्टेशन, ये गुड़गांव ही नहीं, NCR ही नहीं, पूरा पैन इंडिया हम बंद करेंगे, पूरा दिल्ली से लेकर, हम पूरे पैन इंडिया की बात करते हैं, ब्लैंकेट नहीं चलेगी। अभी तक हमारे साथ हमारे राइडर नहीं थे, लेकिन सारे राइडर पूरा ओके बंद हो गए, ब्लैंकेट कंपनी आए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम झुकेंगे नहीं, इसके बाद दिल्ली जाएंगे, पूरा पैन इंडिया चल रही है, महापार बंद कराएंगे, बिल्कुल चोर है ये कंपनी, चोरी करवाती है, कस्टमर से संस्कार करती लेकिन देती नहीं है, गलत सामान भिजवाती है कस्टमर के पास, हम ये कंपनी नहीं चलने देंगे। कस्टमर के साथ किस तरह का धोखाधड़ी, उनसे पैकिंग में चार्ज लेती है, पूरे सरचार्ज करती है, डिलीवरी चार्ज ज्यादा भगाती है तो ज्यादा चार्ज करती है लेकिन देती नहीं है, दस सामान भिजवाते हैं, राइडर को ऐसे दबाव खत्म हो जाता है, पैकिंग खत्म हो जाती है, अपने घर से थैला लाओ उसमें ले जाओ, कस्टमर दे के आओ, कस्टमर नाराज होता है, हम पैकिंग चार्ज 12 रुपये दे रहे हैं, हम कैसे क्यों लेंगे इसे खुला हुआ। हम ड्यूटी के लिए कहते हैं सुबह से शाम तक करो, कौन करेगा सुबह से शाम काम करते हैं, अगर 20 ऑर्डर मार रहे हैं, 20 ऑर्डर 15 ऑर्डर हाशुम के होते हैं, चाचा पांच मंजिल चढ़ के जाते हैं, पैर दुख जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं सूझ के, ठीक है, 20 किलो 25 किलो वजन लेके जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, फाइनेंस पे चल रही है सबकी जिंदगी, फाइनेंस पे चल रही है, कोई ऐसा नहीं है जो बगैर फाइनेंस का यहाँ काम कर रहा हो, गाड़ी हो, घर हो, कुछ भी हो।